मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गण मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापक छिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। पिचानवे नंबर की गाथा चल रही थी, इसमें द्रव्य के लक्षण की चर्चा है और द्रव्य के लक्षण में दो बातें आई थी। एक तो उत्पाद वे द्रव्य से युक्त है और गुण युक्त और पर्याय सहित है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो इसमें उत्पाद वे द्रव्य की चर्चा अपनी हो गई थी, चर्चा गुणों पर अपनी चल रही थी, गुणों की भी ऐसे चर्चा हो गई थी, लेकिन जो अलग अलग गुण हैं आज उन पर थोड़ी अपन चर्चा करेंगे। इसमें यह बात आ गया हा, गुण वह विस्तार विशेष है और वे सामान्य विशेषात्मक होने से दो प्रकार के हैं। माने एक सामान्य गुण होते हैं और एक विशेष गुण होते हैं। सामान्य गुण यानी जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, यानी उससे द्रव्य की पहचान होती है सामान्य गुण से, लेकिन ये कौन सा द्रव्य है ये पहचान सामान्य गुण से नहीं हो सकती। कौन सा द्रव्य है ये पहचान विशेष गुण से होती है ना। अब इनमें मैंने सामान्य और विशेष गुणों में से, अब देखो एक एक गुण का बहुत अच्छा खुलासा किया है। कल नाम अपन ने खाली देखे थे, अस्तित्व नास्तित्व एकत्व अन्यत्व द्रव्यत्व पर्यायत्व सर्वगतत्व असर्वगतत्व सप्रदेशत्व अप्रदेशत्व मूर्तत्व अमूर्तत्व सक्रियत्व अक्रियत्व चेतनत्व अचेतनत्व कर्तत्व अकर्तत्व भोक्तृत्व अभोक्तृत्व अगुर लघुत इत्यादि सामान्य गुण हैं। इतने सामान्य गुण गिनाए, वो तो अपन लघु सिद्धांत प्रवेशिका में भी ये बात आती है कि सामान्य गुणों की संख्या भी अनंत है और विशेष गुणों की संख्या भी अनंत है। हल में आ गया ना। तो अब अनंत में छह सामान्य गुण तो लगभग अपन ने पढ़े हैं, उन छह सामान्य गुणों में भी बोसों के नाम इसमें नहीं आए। देखो कौन सा गुण नहीं आया इसमें, अगुण लघुत्व तो आ गया, इसमें प्रमेयत्व गुण नहीं आया, नहीं लिया उन्होंने ना, क्योंकि अनंत हैं। तो अनंत हैं तो कितने गिनाए, तो जितने गिनाने का विकल्प आया उतना गिना दिए, उसमें क्या है ना। तो अभी इसके में अभी एक एक सामान्य गुण की चर्चा करता हूं, देखिए अभी। और उसके बाद ये आ गया था अवगान हेतु तो गति निमित्तता स्थिति कारणत्व वर्तनायतत्व रूपित चेतनत्व इत्यादि विशेष गुण हैं। ये सामान्य और विशेष गुण की चर्चा। इसमें जो दो बातें आई थी कि कुछ गुण ऐसे हैं जो सामान्य गुण में भी लिए गए हैं और विशेष गुण में भी लिए गए हैं, है ना। देखो तो इन्हीं गुणों का गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा खुलासा किया है, थोड़ा सा उसमें से अपन देख लेता हूं। मैं आपको खाली पढ़ के सुनाता हूं, प्रवचन सुधा में से है ये। तो अस्तित्व माने है ऐसा, अस्तित्व गुण ये सामान्य है। अस्तित्व का सीधा अर्थ है माने सबसे पहले अस्तित्व से ही शुरुआत क्यों करते हैं। देखो जब भी सामान्य गुणों की चर्चा आती है तो अस्तित्व गुण से ही शुरुआत क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कोई वस्तु है ही नहीं तो फिर वो कैसी है और कैसी नहीं है। भाई जैसे गधे के सिंह तो लंबे होते हैं कि छोटे होते हैं, गोल होते हैं कि मुड़े हुए होते हैं कि सीधे होते हैं, कभी गधे के सिंह होते ही नहीं। तो जो चीज है ही नहीं उसकी चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं। तो अस्तित्व गुण से हर जगह शुरुआत की, कि अस्तित्व माने है ये सामान्य है,
अर्थात आत्मा में भी है और परमाणु में भी अस्तित्व नाम का गुण है। ऐसे छह द्रव्य हैं, देखना। अब उसमें गुरुदेव फिर क्या कह रहे हैं, भगवान ने तो छह द्रव्य देखे हैं, भगवान ने देखे, इसका मतलब क्या? तो अगर कोई एक भी द्रव्य कम मानता है, जाति अपेक्षा से भगवान ने छह देखे, अब उसमें अनंत जीव देखे, अब उसमें से कोई अगर सर्वव्यापक एक ब्रह्म माने तो भी गलत है, और कोई श्वेतांबर आदि पांच द्रव्य माने तो भी गलत है। उसमें कहां तक ले गए हैं? उसमें यहां तक ले गए हैं कि भगवान के ज्ञान में छह द्रव्य जाने, है ना, और तेरा ज्ञान, तेरी ज्ञान पर्याय भी छह द्रव्य के जानने की सामर्थ्य वाली पर्याय है। तो अगर तू अपने ज्ञान पर्याय की उस सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करता तो तूने ज्ञान पर्याय को उड़ाया। ज्ञान पर्याय जिस ज्ञान गुण में से आती है उस ज्ञान गुण को उड़ाया, और एक गुण को उड़ाने वाला अनंत गुणों को उड़ाता है, तो अनंत गुणों को उड़ाने वाला पूरा द्रव्य को उड़ाता है। माने एक गुण अथवा एक द्रव्य भी विश्व में कम माना जाए, माने विश्व में एक द्रव्य भी कम माना जाए, या आत्मा में अनंत गुणों में से एक गुण भी कम माना जाए, तो ठेठ सर्वज्ञता, सर्वज्ञ स्वभाव सब उड़ जाता है उसमें, है ना। अच्छा, ये हो गया, ये सभी द्रव्यों में है, ठीक है। इसके बाद नास्तित्व गुण, ये नास्तित्व गुण किसका गुण है? ये देखो, शब्द तो ऐसा आएगा इसमें कि पर से नहीं, नास्तित्व का मतलब क्या होता है? पर से नहीं, है ना, लेकिन पर से नहीं, ये गुण भी आत्मा का या हर द्रव्य का गुण है। ये नास्तित्व गुण पर का नहीं है, अस्तित्व अने अपने से है, और नास्तित्व माने पर से नहीं, यानी आत्मा पर से नहीं है, परमाणु पर से नहीं है, ऐसा नास्तित्व सामान्य गुण है, और ये भी छह द्रव्यों में है। अच्छा, उसके बाद एकत्व, एकत्व नाम का गुण, बारह भावना में एक एकत्व भावना आती है, क्या आती बारह भावना में? एकत्व भावना में एकाकी, एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर वे भी छोड़ चले जाते। तो वो कहते कि तूने साथी क्यों समझा था, ये बता पहले, तो गलती किसकी? वो कहते मैंने तो साथी समझा था, अभी तुमने समझा तो तेरी समझ खोटी। वो तो कहते हैं कि हम तो आए हैं, तो आए हैं तो निश्चित रूप से हम तो जाएंगे, क्योंकि हर पदार्थ अपना एकत्व स्वरूप में विद्यमान है, उसका किसी के साथ कोई मेल जोल नहीं है विश्व में। ये कहते हैं एकत्व पना, यानी एक पना स्वरूप जो है, द्रव्य गुण आदि है परंतु है एक पना, है ना। और ये 47 शक्तियों में भी इसमें गुरुदेव श्री ने याद किया उसको कि एक और अनेकत्व शक्ति आती है। 47 शक्तियों को उन्होंने याद किया कि ये धर्म 47 शक्तियों में भी आता है, और ये भी परमाणु में भी है, आत्मा में भी है, और सभी द्रव्यों में है, क्योंकि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय से एक है, और ऐसे ही परमाणु भी द्रव्य गुण पर्याय से एक है। ऐसा एकपना हर द्रव्य में है, आत्मा में है, परमाणु में, मतलब क्या कि वो किसी दूसरे के साथ मिलता नहीं है और दूसरे की क्रिया नहीं करता, अपने द्रव्य गुण पर्याय से एक एक रूप है वो। और इसीलिए समय सार में ये कहा कि जो आत्मा ये मानता है कि आत्मा अपनी क्रिया भी करता है और आत्मा अपने अतिरिक्त अन्य द्रव्यों की क्रिया भी करता है, पुद्गल की क्रिया भी कर, अन्य द्रव्यों में और तो ज्यादा चक्कर है ही नहीं, कि अन्य पुद्गलों की क्रिया करता है अथवा अन्य जीवों की क्रिया करता है, किसी भी प्रकार की क्रिया, जीव को सुखी करने की, जीव को दुखी करने की, जीव को मारने की, जीव को जिलाने की, जीव को बचाने की, है ना, जीव को बांधने की, जीव को मुक्त करने की, अथवा परमाणु की जो भी क्रिया, सुबह से शाम तक अपने को जो लगता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो आचार्य देव ने वहां पर कहा कि एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्यों की क्रिया का होना,
भगवान जिनेंद्र परमात्मा को सम्मत नहीं है, वो उन्होंने मान्य नहीं किया, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा मानता है तो उन्होंने कहा कि वो सर्वज्ञ की आज्ञा से बाहर होने की वजह से सर्वज्ञ मत से बाहर है। जातिवार कर दिया उसे, जातिवार कर दिया कि सर्वज्ञ मत से बाहर है, तू जैन मत का नहीं है। मैं हाथ ऊंचा कर सकता हूं, आत्मा हाथ उठाया कि तू जैन मत का नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ उठने में जो परमाणु की हलन चलन रूप क्रिया हुई, उस क्रिया का परमाणु करता है, आत्मा करता नहीं। एक परिणाम के न करता दरब दोई, दोई परिणाम एक द्रव्य न धरतु है। बनारसी दास जी ने ये पूरे प्रकरण को बहुत जबरदस्त छंदों में लिखा है कि एक परिणाम के दो द्रव्य करता नहीं होते। माने ये हाथ ऊंचा हुआ तो इस हाथ ऊंचा होने की क्रिया का करता पुद्गल परमाणु भी हो और इस हाथ ऊंचा होने की क्रिया का करता आत्मा भी हो। कि एक परिणाम के न करता द्रव दोई, एक द्रव्य दो परिणाम न धरतु है, और एक द्रव्य अपनी क्रिया भी करे, आत्मा क्या करे? आत्मा हाथ उठाने की इच्छा भी करे और हाथ उठाने की क्रिया भी करे, भाषा बोलने की इच्छा भी करे और आत्मा भाषा बोलने की क्रिया भी करे, ऐसा तीन काल में नहीं होता। और उसके बावजूद तू ये माने, क्या माने? कि मैंने भाषा बोली। आचार्य कहते तू सर्वज्ञ मत से बाहर है। भाषा से मुझे ज्ञान हुआ, सर्वज्ञ मत से बाहर है। ऐसे जितने जितने भी कार्य अपने को दिखाई देते, ये कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है इस तरह की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया अन्यत्व। अन्यत्व भावना भी आती है ना। हाँ देखो, अन्यपना, अन्यत्व का मतलब क्या होता है? अन्य, एकत्व और अन्यत्व। एकत्व माने अपने से एकमेक है और अन्यत्व माने अन्य से एकमेक नहीं है, अस्ति नास्ति है एक तरह से ही। एकत्व अन्यत्व में देखो, आत्मा से परमाणु अन्यत्व है और परमाणु से आत्मा अन्यत्व है। अब हम अन्यत्व भी बोलें और उसकी क्रिया का कर्ता भी बने, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, सामान्य अधिकतर बोल सकते सामान्य। देखो क्या गजब की वस्तु व्यवस्था, क्या हर द्रव्य के पास अपना कार्य करने का उपादान है। तो अज्ञानी क्या बोलता है कि मैं निमित्त हूं कि नहीं, यह पर्याय हुई, उसमें मैं निमित्त तो हूं कि नहीं। कि निमित्त रूप से भी अगर देखा जाए तो काल द्रव्य, नियम रूप निमित्त कौन उसमें? काल द्रव्य का एक समय का परिणाम अज्ञानी मानता अपने को मालिक। तो ये उसका, इसको उड़ाया अन्यत्व। उसके बाद द्रव्यत्व, कि द्रव्यत्व ये सामान्य गुण है ना, और ये तो छह बोल गुण आते हैं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि आते ही, वो सब अपने पड़े हैं वही है ना। यहां तो अधिक डाले, द्रव्यपना। द्रव्यत्व का मतलब क्या होता है? द्रवित होना। द्रव्यत्व मतलब द्रवित होना। द्रवित होने का मतलब क्या होता है? कि प्रवाहीपना। तो जो निरंतर परिणमन है, एक समय भी रुके बिना, एक समय भी व्यवधान हुए बिना, उसमें एक समय सार में एक कलश आता है कि सब द्रव्यों के पास जब परिणमन की शक्ति है और उसके परिणमन में कोई विघ्न करने वाला भी नहीं है, तो फिर तू जबरदस्ती उसका कर्ता क्यों बनता है ना? और सारा अज्ञानी जगत इस कर्तत्व से ही तो दुखी है, और काहे से दुखी है? देखो एक बात सुन लेना कि जिनके पास शारीरिक बल इतना कि यदि उस बल का प्रयोग करे तो तीन लोक को पलट दे, इंद्र वगैरह होते ना, तीर्थंकर का बल तो सबसे अधिक होता है, लेकिन इंद्र वगैरह का भी जो शारीरिक बल का विकल्प अगर अपन विचार करें जिनवाणी के माध्यम से, तो बल इतना और
परिणमन कराने का विकल्प किसी को आता नहीं। और अपन लोगों की क्या हालत है कि शारीरिक बल तो कुछ है नहीं, है ना, और पूरे लोक को परिणमन कराने का विकल्प चलता है। एक दांत हिलता हो अपना, दांत हिलता हो, उस हिलते हुए दांत को ठीक करने की ताकत नहीं है, समझ में आ गया, और पूरे लोक के ब्रह्मा बन के बैठे हैं अपने। क्या ख्याल में आया कि नहीं आया, हमारे बिना पत्ता नहीं हिलेगा, कि तू हिल जाएगा पत्ते तो फिर भी हिलेंगे। हाँ, कितना कितना अभिमान करता अपने का, है ना। तो ये सब देखो, आप देखो कितना, देखो इसमें बहुत अच्छा लिया कि पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ द्रवता है, जैसे पानी में से तरंग उठे वह द्रवती कहलाती है, इसी तरह प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का गुण है कि जिसके कारण वह द्रव्य द्रवता है। द्रवता माने निरंतर परिणाम, द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी द्रव्य तो तजता न लक्षण संपदा। पढ़ते कि नहीं पढ़ते ये सब अपन, कि ऐसा उसके अंदर ही वो स्वरूप पड़ा है। देखो एक चीज और, कि एक द्रव्यत्व गुण भी आंतरिक निमित्त है, समझा गया। द्रव्यत्व गुण क्या है, वो भी आंतरिक निमित्त है। सच में तो वो परिणमन स्वभाव वो द्रव्य का ही स्वभाव है, जैसे द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत है, द्रव्य का द्रव्य स्वभाव वो कैसा है, कि वो अनादि अनंत है। वो कहते हैं ऐसे ही द्रव्य का परिणमन स्वभाव भी अनादि अनंत है। परिणमन एक समय का, लेकिन परिणमन स्वभाव कैसा, क्या ये बताओ कि अनादि अनंत काल की प्रवाह में किस समय द्रव्य ऐसा है कि जिस समय द्रव्य में परिणमन नहीं है। एक समय के लिए भी परिणमन कभी रुकता नहीं, और एक समय के लिए भी परिणमन रुक जाए तो उसी क्षण द्रव्य का नाश हो जाएगा। द्रव्य का नाश कभी होता नहीं आएगा, परिणमन ऐसे ही, परिणमन की धारा निरंतर, उसका शब्द लगन है कि निरंतर, निरंतर माने एक समय का भी अंतर पड़े बिना, है ना। और उस दिन आपको शायद छह शक्तियां इसमें बताई थी, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, है ना। एक 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 समय की पर्याय की व्यवस्था के लिए, कि होने वाली पर्याय ही हो, नहीं होने वाली पर्याय ना हो, वो पर्याय एक समय के बाद अपने आप नाश को प्राप्त हो जाए, अगले समय में नई पर्याय आ जाए, आने वाली पर्याय ही आवे, नहीं आने वाली पर्याय कभी नहीं आवे, ये छह शक्तियों के छह काम हैं। एक एक पर्याय के लिए द्रव्य के पास इतनी सामर्थ्य है, छह छह शक्तियां लगी है वहां पे, एक समय की पर्याय के लिए छह शक्तियां, हाँ गुण, वो शक्ति गुण बोलो। अब जब द्रव्य के पास, खुद के पास इतनी सॉलिड व्यवस्था है, और वो किस द्रव्य के पास नहीं है, ये सामान्य शक्तियां, आत्मा की समय सार में आत्मा की शक्ति की चर्चा की है, लेकिन ये शक्तियां, बहुत सी शक्तियां उसमें सामान्य है जो सभी द्रव्यों में पाई जाती है, सामान्य। अभी अब बताओ, हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इतनी गजब की व्यवस्था, उसमें कौन क्या, कौन कुछ करे, आ गया आ गया। देखो अभी तो ये हो गया ना, अब इसके बाद आगे का, आगे की शक्ति है पर्यायत्व, द्रव्यत्व शक्ति हो गई, उसके बाद आई पर्यायत्व गुण। तो पर्यायत्व माने क्या, देखो छहों द्रव्यों में पर्यायत्व नाम का गुण है कि जिसके कारण पर्याय होती है, और समय सार में परिणाम शक्ति है, है ना। आ गया, पर द्रव्य के कारण पर्याय होती है ऐसा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि पर्याय शक्ति हर द्रव्य के अंदर है। देखो तो एक चीज समझना, पर्याय और पर्याय शक्ति, मैंने पर्यायत्व, पर्यायत्व नाम का सामान्य गुण है, क्या कहा, पर्यायत्व नाम का सामान्य गुण, और उस सामान्य गुण का कार्य क्या, कि पर्याय का होना, निरंतर होना द्रव्यत्व गुण का कार्य,
निरंतरता, उस पर्याय में निरंतरता वो द्रव्यत्व गुण बताएगा। और पर्याय ये पर्यायत्व शक्ति बताएगी, मैंने पर्यायत्व गुण इसको बताएगा। तो ये आ गया। उसके बाद अब आगे सर्वगतत्व, इस 47 नय में एक सर्वगत नय आया है और एक असर्वगत नय आया है। 47 नयों में जब प्रवचन सार के एंड में 47 नयों की चर्चा में ये चर्चा आई है, तो सर्वगत, सर्वगत का मतलब क्या है कि सर्वगतत्व अर्थात व्यापक है, प्रत्येक द्रव्य स्वयं में सर्वगत रूप है ना। क्या गजब की व्याख्या कर दी, प्रत्येक द्रव्य स्वयं में सर्वगत रूप है, अपने में। सर्वगत का अर्थ अपन लोग क्या समझते हैं कि सर्व माने सब में, गत माने जाने वाला। देखो ऐसे घटित भी किया, ऐसा नहीं कि वो कोई अर्थ गलत भी है। जो 47 नयों में जो घटित किया ना, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान सारे लोकालोक को जानता है। क्या कहा, ज्ञान सारे लोकालोक को जानता है, इस अपेक्षा से ज्ञान सर्वगत है, माने मानो वो सब में पहुंच गया और उसी समय एक असर्वगत नय है। तो असर्वगत नय के नय क्या कहता है कि सबको जानने पर भी अपने असंख्यात प्रदेशों की मर्यादा से बाहर नहीं जाता, यानी वो सारे लोकालोक का जानना लोकालोक में जाके हो रहा है या अपने आत्मा के शरीर प्रमाण जो असंख्यात प्रदेश हैं केवली भगवान के, कहां हो रहा है वो जानना। तो अपने में अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाता, तो क्षेत्र अपेक्षा से तो असर्वगत, ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा करें अभी, तो ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा से आत्मगत है यानी असर्वगत है, और जानने की अपेक्षा से क्या है वो कि जानने की अपेक्षा से सर्वगत है। अब इस जानने की अपेक्षा से सर्वगत है इस बात को नहीं समझने के कारण अन्य मतियों ने क्या अर्थ निकाला कि वो भगवान सब में व्याप्त है, तुम्हारे में भी, इसमें भी, उसमें भी, यहां भी, वहां भी, है ना, वो सब में उसका अंश है, ऐसा वो बोलते हैं। वो निकले सब यहीं से हैं, क्योंकि सही बात को सही तरीके से नहीं समझना वो सबसे बड़ी भूल हो जाती है ना। और इसलिए युगल जी साहब ने पूजा में लिखा, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विषमय, केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। कितनी गजब की प्रयोगशाला आपकी, आप अपनी प्रयोगशाला में से बाहर निकलते नहीं। प्रयोगशाला माने केवल ज्ञान, उसको प्रयोगशाला कहा, तो उसमें से बाहर निकलते नहीं, और वो केवल ज्ञान की कला ऐसी कि वो विश्व के किसी पदार्थ की ओर झांकती नहीं, और विश्व का ऐसा कोई पदार्थ बाकी नहीं बचा कि जो उस केवल ज्ञान की कला में उमड़ नहीं पड़ा हो। सारा विश्व, कितना विश्व, छह द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य के गुण, प्रत्येक द्रव्य के गुण में प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंत काल की पर्याय, और एक एक पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद, ये सब जानने में आते एक समय में, है ना। तो उस अपेक्षा से, ज्ञान अपेक्षा से, जानने की अपेक्षा से ज्ञान को सर्वगत कहा, और अपने प्रदेशों में रहता है इस अपेक्षा से ज्ञान को असर्वगत कहा, है ना। यहां सर्वगत में कह रहे हैं कि सामान्य गुण में लिया है, तो यहां सर्वगतत्व अर्थात व्यापक है ना, तो व्यापक कहां है वो कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं में सर्वगत रूप है ना, अपनी अपने प्रदेशों की बाउंड्री से बाहर कोई द्रव्य गया कहां, अपने में सर्वगत है वो, अपने में ही, अपने में व्यापक है वह, सर्वगत गुण सब में है। और उसके बाद यह असर्वगतत्व, सर्व में नहीं और अपने में ही है, ऐसा भी एक गुण है, वह भी सामान्य है।
फिर इसके बाद लिया सप्रदेशत्व और अप्रदेशत्व, ये दो प्रकार के गुण होते हैं। इसको प्रदेश, इसको अपन प्रदेशत्व गुण के नाम से भी जान सकते हैं। तो सप्रदेशत्व के बहुत अच्छा अर्थ किया कि सप्रदेशत्व माने प्रदेश पना किसी भी पदार्थ का, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, हर पदार्थ का कोई न कोई आकार अर्थात उसका प्रदेश अर्थात वो जगह घेरे ऐसी व्यवस्था उसमें है। तो प्रदेश पना उसे यहां सामान्य कहा। तो भले कालाणु भी एक प्रदेश है ना, एक प्रदेश है कि नहीं कालाणु? तो प्रदेश देखो, देखो जब जब पंचास्ती काय की चर्चा चलेगी, ध्यान से सुनना, तो पंचास्ती काय की चर्चा में काल द्रव्य को अप्रदेशी बोलते हैं, क्योंकि एक प्रदेश को गणना में नहीं लेते, वहां पर बहुप्रदेशी द्रव्यों को प्रदेशवान बोलेंगे। यहां पर क्या कहा कि एक प्रदेश हो चाहे बहुप्रदेश हो, उसमें प्रदेश है ना, माने ऐसा कोई द्रव्य विश्व के अंदर नहीं है कि जो द्रव्य तो है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। ख्याल में आया क्या कहा कि एक प्रदेशी आकार हो कि बहुप्रदेशी आकार हो, उस वो विवक्षा अभी यहां नहीं है। यहां विवक्षा क्या है कि उसका कोई न कोई आकार है, भले ही बहुप्रदेश नहीं, एक प्रदेश है ना। तो प्रदेशत्व सामान्य गुण छह द्रव्यों में है, यानी ये क्या बताता है कि कोई भी द्रव्य बिना प्रदेशों का नहीं होता, हर द्रव्य का अपना अपना आकार होता है और उस आकार आकार होने का वह गुण उस द्रव्य के अंदर है। अब अज्ञानी ये माने कि मैंने इस पुद्गल के आकार को गोलाकार किया बूंदी का लड्डू बनाकर, बराबर ना चांदबल जी साहब, क्या करी है? मैंने कपड़े के थान की घड़ी बिल्कुल इतनी व्यवस्थित कर दी कि मेरे बराबर कोई कर नहीं सकता। क्या किया कि आपने उस वस्त्र के प्रदेशत्व गुण को उड़ा दिया, आपने उस लड्डू के एक एक परमाणु के प्रदेशत्व गुण को या सप्रदेशत्व को उड़ा दिया। हल में है कि नहीं आए, है ना? कारीगर ने मूर्ति का, अरे वाह साहब, नाटा की मूर्ति तो गजब, ऐसी मूर्ति नाटा ही बना सकता है भगवान की। क्या हुआ? एक एक परमाणु का सप्रदेश पना उसमें कारण है, नाटा नहीं, नाटा का कारीगर नहीं, छीनी हथौड़ा नहीं। हाँ, समझ में आया कि नहीं है? क्या क्या वस्तु व्यवस्था है? अब देखो अप्रदेशत्व में बहुत गजब की व्याख्या की, अप्रदेशत्व ये भी हर द्रव्य का सामान्य गुण है। तो अप्रदेशत्व का मतलब क्या हुआ? तो उसका बहुत अच्छा अर्थ किया कि भेद बिना का अप्रदेश पना, असंख्यात प्रदेश, ये प्रदेशों में भेद कर दिया आपने। क्या किया? ये प्रदेशों में भेद किया कि ऐसा भेद नहीं, असंख्यात प्रदेशी एक पदार्थ है वो, तो उस प्रदेशों का भेद नहीं करो। तो पंचासी काय में लिखा आत्मा अखंड एक प्रदेशी है, वहां कालाणु की तरह का एक प्रदेशी नहीं। कितनी विवक्षाएं जिनवाणी में आती है, कालाणु की तरह का एक प्रदेशी नहीं, लेकिन असंख्यात प्रदेशों का भेद नहीं। जैसे अपन लोग यहां पे इतने सब लोग बैठे हैं, तो कोई पूछे मंदिर में क्या चल रहा है कि सभा चल रही है। क्या क्या चल रहा है कि सभा चल रही है। तो सभा का माने क्या होता है कि अनेक व्यक्तियों का एक समुदाय, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सभा। अनेक व्यक्तियों का एक समुदाय, उसका नाम सभा है। समझ में आ गया? तो यहां देखो भेद बिना का अप्रदेश पना, क्या कहा? भेद बिना मतलब असंख्यात प्रदेश, अनंत प्रदेश। आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश। अनंत का भेद मत करो, अखंड एक प्रदेशी है। जब उसका भेद नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगा वो?
अखंड एक प्रदेशी, अखंड एक प्रदेशी माने काल द्रव्य जैसा एक प्रदेशी नहीं, अनंत प्रदेशी होने पर भी जिसमें अनंत का भेद नहीं है उसको अखंड माने अनंत का एक फीस। हाँ, असंख्यात प्रदेशों का एक फीस माने असंख्यात प्रदेशी माने उसके असंख्यात टुकड़े नहीं हो गए, अनंत प्रदेशी माने उसके अनंत टुकड़े नहीं हो गए। पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश स्कंद की अपेक्षा से बोले जाते हैं, इसके तो टुकड़े हो जाएंगे लेकिन उसके टुकड़े नहीं होंगे, अनंत हैं लेकिन अनंत कैसे हैं कि एक रूप अनंत हैं, असंख्यात हैं लेकिन असंख्यात कैसे हैं कि एक रूप असंख्यात है, उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, जान सकते हो टुकड़े नहीं कर सकते। हल में आएगी नहीं है ऐसा। हां वो भी पद अप्रदेशत्व माने जहां प्रदेश का भेद नहीं ऐसा अप्रदेश सामान्य है। आगे देखो मूर्तत्व, इसको काय में डाला सामान्य गुण में, ठीक है। अब सामान्य गुण की परिभाषा तो यह है कि सभी द्रव्यों में पाया जावे। अब जो जो जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना अपने को उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो देखो ये अपने को लगेगा ना, देखो मूर्तत्व तो पुद्गल द्रव्य में पाया जाता है तो पुद्गल द्रव्य का तो वो विशेष गुण हुआ, फिर सामान्य में क्यों डाला उसे? कि सामान्य में इसलिए डाला कि वो अनंत पुद्गलों में पाया जाता है तो अनंत पुद्गलों की अपेक्षा से सामान्य है। क्या कहा? क्यों इसको विशेष में भी लेंगे, अभी इसी मूर्तत्व को विशेष में भी लेंगे तो विशेष में लेंगे वहां क्या विवक्षा है? गुण वही है, मूर्तत्व गुण सामान्य और मूर्तत्व गुण विशेष, तो दो मूर्तत्व गुण नहीं है कि एक तो सामान्य मूर्तत्व गुण है और एक विशेष मूर्तत्व गुण है। क्या काम आवीर जी, समझ आ रहा है ना? मूर्तत्व दो तरह का नहीं है, दो मूर्तत्व नहीं है, एक मूर्तत्व को दो अपेक्षाओं से समझना है। कथन दो प्रकार से माने अनंत पुद्गलों में मूर्तत्व पना पाया जाता है तो पुद्गल पुद्गल का वो सामान्य गुण है, माने सभी पुद्गलों में कॉमन है, इसको यूं कहेंगे अपन। क्या कहेंगे? सभी पुद्गलों में पाया जाता है तो पुद्गल सभी पुद्गलों में पाया जाता है इसलिए सभी की अपेक्षा, सभी पुद्गलों की अपेक्षा से उसे कहा सामान्य, और जब इसी मूर्तत्व को विशेष कहेंगे तब ये पुद्गल में ही पाया जाता है, पुद्गल के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, इस अपेक्षा से इस मूर्तत्व को ही विशेष गुण कह देंगे। कभी कभी ऐसा नहीं लगता अपने को कि आचार्य महाराज अपने को उलझाते क्यों, सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते है? नहीं लगता ऐसा कभी कभी कि उसी को सामान्य कह रहे हो उसी को विशेष कह रहे हो, महाराज एक जगह ही रख लेते हमको कितना याद रखे हम है? देखो इसमें भी एक रहस्य है, मूल तत्व को सामान्य गुण कहने में भी एक रहस्य है कि ये सभी पुद्गलों का सामान्य गुण है, माने उसमें तेरी कोई अपेक्षा नहीं है कि कुछ पुद्गलों को मैं ऐसा कर सकता हूं कुछ को मैं, कुछ नहीं, भूल जा। वो यहां पे कह रहे हैं देखो मूर्तत्व पना भी सामान्य है, माने जड़ में मूर्तत्व है, जड़ माने पुद्गल में वह सामान्य है और चैतन्य में मूर्तपना कहना कहा जाता है ना, कर्म बंध की अपेक्षा से आत्मा को व्यवहार से मूर्त कह दिया जाता है, मूर्त कर्म के संबंध वाले आत्मा को उपचार से मूर्त कह दिया जाता है कि वह अपेक्षित है, अपेक्षित माने उसमें कर्म की अपेक्षा लगा करके आत्मा को मूर्त कहा गया। लेकिन पुद्गल को मूर्त किस लिए कहा गया, किसकी अपेक्षा लगाई उसमें, पुद्गल को मूर्त कहने में किसकी अपेक्षा लगाई? कि पुद्गल तो निरपेक्ष मूर्त है, उसको मूर्त कहने में कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती, वह तो सामान्य गुण में लिया है। आगे आगे देखो उसके बाद अमूर्तत्व, यह भी सामान्य गुण है, सामान्य गुण पर की अपेक्षा करके मूर्तत्व कहना वह भी सामान्य,
और पर की अपेक्षा बिना अमूर्तपना है, वह भी कैसा है? वो भी सामान्य है। पुद्गल के अलावा सभी द्रव्यों में पाया जाता है, हो गया सामान्य इतनी। अच्छा अब देखो, सक्रियत्व और अक्रियत्व, दो दो गुण लिए। सक्रियत्व, स माने सहित क्रिया, यहां गति करे, यह क्रियत्व सामान्य है। किसका सामान्य है? ये जीव और पुद्गलों में, भले ही धर्मास्थि काय आदि में नहीं है, परंतु आत्मा में है ना, और आत्मा में और परमाणु में है, दो में है, इसलिए सामान्य। धर्म अधर्म आकाश काल में तो है नहीं। अच्छा अब अक्रियत्व माने गति नहीं करे, ऐसा अक्रियत्व भी उसका गुण है, और यह तो सभी में है। अब देखो चेतनत्व को ले लिया सामान्य में है, और फिर अचेतनत्व को लेंगे। देखो चेतनत्व में क्या लिया, कि चेतनत्व को यहां सामान्य में लिया है, क्योंकि बहुत है ना, अनंत जीव है कि नहीं, तो अनंत जीवों की अपेक्षा से चेतनत्व सामान्य, मतलब सभी जीवों में वो सामान्य रूप से पाया जाता है, ठीक है, इस अपेक्षा से उसे सामान्य कहा, माने आ गया। और अचेतनत्व माने जड़ में अचेतनत्व सामान्य है, तो आत्मा में अचेतनत्व नहीं पाया जाता, लेकिन आत्मा के अलावा बाकी के पांच में पाया जाता है ना, तो बहुतों में पाया जाता है, समझा गया। देखो एक और विवक्षा इसमें थोड़ा समझना, कि एक अपने यहां पे अकलंक देव स्वामी का स्वरूप संबोधन, एक 25 काव्य का एक स्तोत्र है स्वरूप संबोधन, और उसमें आत्मा में भी चेतनत्व और अचेतनत्व घटित किया है। ये आपको इसमें नहीं, लेकिन एक समझने का प्रकरण है, कभी कोई बात आवे तो अपने को भ्रम खड़ा ना हो। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से आत्मा में चेतनत्व है। क्या कहा? ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से आत्मा में चेतनत्व है, और ज्ञान दर्शन के अलावा बाकी के जो अनंत गुण हैं, क्या उन अनंत गुणों में जानने और देखने की सामर्थ्य नहीं है, तो इस अपेक्षा से आत्मा में अचेतनत्व। एक बात, अभी एक और विवक्षा इसकी और आई है जिनवाणी में, वो परमात्म प्रकाश में आई, कि भगवान जड़ है कि चेतन, बोलो सिद्ध भगवान जड़ है कि चेतन? मनोज भाई बोलो, राजू भाई चेतन। अब परमात्म प्रकाश कार ने एक अलग विवक्षा ली, मैं इसलिए आपको ये विवक्षा बता रहा हूं कि कभी जब आप जिनवाणी का स्वाध्याय करें और ये विवक्षा आए तो आपके ख्याल में रहनी चाहिए कि ये विवक्षाएं भी जिनवाणी में है। उन्होंने कहा कि इंद्रिय ज्ञान का केवल ज्ञानी परमात्मा के अभाव है। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान का केवल ज्ञानी परमात्मा के अभाव है, इसलिए जड़पना है, और केवल ज्ञान का सद्भाव है, इसलिए चेतनपना है। ये अलग अलग इंद्रिय, मैंने वहां इंद्रिय ज्ञान का अभाव, कि जड़ हां के जड़ है, जड़ क्यों है? इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानते हमारे भगवान, इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा से है ही नहीं हमारे भगवान में, तो वहां जड़ के दिया। और केवल ज्ञान के पिंड हैं, केवल ज्ञान के पिंड हैं, ज्ञान दर्शन के पिंड हैं, मैंने किस किस तरह जिनागम में आचार्य ने कथन किया, ये ख्याल में रहना चाहिए। वो कोई जानने की बात है, कोई वो ज्यादा वो नहीं है उसका। अभी दूसरा आया कर्तत्व और अकर्तत्व। देखो ये दोनों गुण हर द्रव्य में है। कर्तत्व माने आत्मा अपनी पर्याय का करे, छहों द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का करे, माने अपना कार्य करने का कर्तत्व गुण हर द्रव्य के अंदर है। समय सार में 47 शक्तियों में कर्ता नाम की शक्ति है, यह परिणमति स कर्ता, कि जो परिणमित होता है वो कर्ता है, और कर्ता का जो परिणाम है वो क्या है? कि वो कर्म है। कर्ता परिणामी द्रव्य, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फेरनी,
वस्तु एक त्रय नाम खेल में है। तो कर्ता कर्तत्व नाम का गुण और अकर्तत्व में मैंने क्या कि अकर्तत्व माने पर का नहीं कर सके, बोलो पर का कर सके ऐसा कोई गुण है? इतने गुणों की अभी अपन ने चर्चा करी, ऐसा कोई गुण कि जिसमें पर का भी कुछ कर सके हम, ऐसा कोई एक आधा गुण तो रखते हैं? एक भी गुण नहीं, एक भी शक्ति नहीं, एक भी स्वभाव नहीं, एक भी धर्म नहीं, नहीं कर सके उसके लिए गुण भी बता देंगे, उसके लिए शक्ति भी बता देंगे, उसके लिए स्वभाव बता देंगे, उसके लिए धर्म बता देंगे, कर सके उसके लिए कोई नहीं है। ये आ गया। इसके बाद भोक्तृत्व, भोक्तृत्व माने क्या? अपनी परिणति का भोक्ता, माने अपनी परिणति को भोक्ता, माने अपनी परिणति को वो स्वयं पाता है, अपनी परिणति का भोक्ता है, ऐसा एक भोक्तृत्व गुण, और पर को नहीं भोगता ऐसा एक अभोक्ता नाम का गुण है। बोलो अब आत्मा क्या भोगता है, आत्मा के भोगने की मर्यादा कहां तक है, आत्मा क्या करता है, आत्मा के करने की मर्यादा कहां तक है, ये तो विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आत्मा के कर्तत्व की मर्यादा कहां तक है? आत्मा के कर्तत्व की मर्यादा अपनी निर्मल पर्याय और अपनी मलिन पर्याय, इससे बाहर आत्मा के कर्तत्व की मर्यादा नहीं। आत्मा के भोक्तृत्व की मर्यादा क्या? कि स्वभाव सन्मुख होकर के अतिंद्रिय आनंद को भोगे या स्वभाव से विमुख रह करके आकुलता को भोगे, यानी या निराकुलता को भोगे या आकुलता को भोगे, यह आत्मा के भोगने की मर्यादा है। जड़ पदार्थ को आज तक आत्मा ने भोगा हो ऐसा आत्मा में कोई गुण है ही नहीं। ख्याल में आएगी नहीं है? हैं? दाल भात साग आदि को भोगा हो आत्मा ने ऐसा कोई गुण नहीं है। जैसे आत्मा पर को करे तो उसे पर होना पड़ेगा, इसी तरह आत्मा पर को भोगे तो उसे पर होना पड़ेगा, यानी आत्मा की सत्ता का नाश करके वो पर को भोगना भोगने वाला और पर का करने वाला हो सकता है। कब? कि जब अपनी सत्ता नाश हो जाएगी तब। तो अपनी सत्ता नाश होकर के फिर होगा कौन? अपनी सत्ता नाश होकर के भी होगा कौन? जब खुद की सत्ता नाश हो गई तो खुद कहां करता रहा फिर, ये बताओ। ये तो बोलने की भाषा है कि अपनी सत्ता का नाश करके ही तू पर का करता हो सकता है। हमें कहते हैं जो अपनी सत्ता ही नाश हो गई तो फिर अपन करता कहां रहे? न्याय समझे, न्याय आया समझे? क्या कहा? कहते अपनी सत्ता कि मैं परद्रव्य का करता हूं, तो मैं परद्रव्य का करता हूं तो मैं परद्रव्य ही हूं। तो जब तू परद्रव्य ही हो गया तो फिर तू परद्रव्य का करता कहां रहा? तू तो परद्रव्य हो गया, तू आत्मा कहां रहा? समझ में आ गया नहीं है? ऐसे समझो कि ये अपनी भोगने की मर्यादा, अपने करने की मर्यादा कहां तक है और अपन लोग अपनी मर्यादा कहां तक मानते हैं। ख्याल में? कुछ करने और कुछ भोगने का फल नहीं मिलता आत्मा को, पर का कुछ करने का और पर का कुछ पर को भोगने का फल किसी आत्मा को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो काम आत्मा करता ही नहीं उसका फल आत्मा को कैसे मिलेगा? तो आत्मा को फल काय का मिलता है? तो आत्मा को मैं कर सकता हूं और मैं भोग सकता हूं पर को, इस विपरीत मान्यता का फल चार गति 84 लाख योनिया और निगोद इसका फल मिलता है। कुछ करने धरने का फल थोड़ी मिलता है, करा कब है आत्मा ने पर का, है ना? ये इस तरह के गुण, बहुत सारे गुण इस तरह के उनने लिए इसमें, है ना। और इसके बाद अगुण लघुत्व गुण आ गया। अगुण लघुत्व माने जितने गुण पर्याय हैं उनमें घटबड़ नहीं आया, वो तो पढ़ी लिया। अगुण लघुत्व गुण की क्या परिभाषा है? द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, एक परिभाषा, सामान्य परिभाषा तो इतनी। अब उस द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है इसको समझाने के लिए उसका डिटेल किया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, क्यों?
क्योंकि यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो द्रव्य का द्रव्यपना कहां रहा। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते। ये तीन तो आपने पढ़े, अब इसके बाद और इसमें विचार करना और भी है। तीन तो संक्षिप्त में है, इसका विस्तार करोगे तो और जाएगा के जाएगा, इसका विस्तार करोगे तो ये जाएगा। एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, किसी भी द्रव्य की एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। बहुप्रदेशी एक प्रदेशी द्रव्य में तो ये चक्कर है ही नहीं, लेकिन बहुप्रदेशी द्रव्य हो तो उस द्रव्य का एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता। यहां तक जाएगा अगुणलघुत्व गुण की परिभाषा, है ना। द्रव्य प्रत्येक द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। क्षेत्र की अपेक्षा चर्चा करो तो द्रव्य का एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता। काल की अपेक्षा चर्चा करो तो एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। भाव की अपेक्षा चर्चा करो तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते। और इनकी अखंडता की चर्चा करो तो द्रव्य गुण पर्याय और प्रदेश बिखर करके अलग अलग नहीं होते। प्रदेशों को नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो प्रदेश अपनी अलग पार्टी बना ले, गुण अपनी अलग पार्टी बना ले, द्रव्य अपनी अलग पार्टी बना ले, है ना, और क्षेत्र अपनी अलग पार्टी बना ले, ऐसा कभी नहीं होता। पर्याय अपनी अलग पार्टी बना ले, पर्याय कहे मुझे नहीं रहना द्रव्य और गुण के साथ, गुण कहे मुझे नहीं रहना गुण और पर्याय के साथ, द्रव्य कहे मुझे नहीं रहना गुण और द्रव्य के साथ, और प्रदेश कहे मुझे नहीं रहना द्रव्य और गुण और पर्याय के साथ। कहते तुम चारों हो तो वस्तु कहलाती है, और अलग अलग हो तो तुम्हारी दुर्दशा है। माने अकेले द्रव्य को कोई वस्तु नहीं कहेगा, अकेले गुण को कोई वस्तु नहीं कहेगा, अकेली पर्याय को कोई वस्तु नहीं कहेगा, अकेले प्रदेश को कोई वस्तु नहीं कहेगा। द्रव्य गुण पर्याय और प्रदेश अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन चारों की अभेदता का नाम ही वस्तु है। आ गया। और ये काम कौन करता है कि ऐसा विखंडन ना हो, ऐसा विघटन ना हो, कि ये काम करता है अगुरु लघु। अगुरु लघु क्या काम करता है, ये कि द्रव्य कहे कि मैं बड़ा, गुण कहे कि मैं बड़ा, क्योंकि तू एक है हम अनंत हैं, समझ आया। पर्याय कहे कि तुम भले अनंत हो लेकिन हम तो तीन काल के समय जितने, तुम तो एक एक गुण हो, हम एक गुण की तीन काल की जितनी पर्याय। तो अगुरु लघु कहता है कि ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, जिसकी जितनी हैसियत है उस वस्तु में, जिसकी जितनी हैसियत है उसकी उतनी हैसियत उस वस्तु में सदा काल रहेगी, न उसकी हैसियत में कोई कमी होगी और न उसकी हैसियत में कोई बढ़ोतरी होगी। ऐसा अगुरु अलघु, अगुरु लघु मतलब अ दोनों में लगेगा, अ माने नहीं, गुरु माने बड़ा, अ माने नहीं, लघु माने छोटा, समझा गया। ऐसी व्यवस्था करे, ऐसी व्यवस्था के व्यवस्था का कारक, उस गुण का नाम अगुरु लघु गुण कहलाता है। और ये गुण हर द्रव्य के अंदर पाया जाता है। इस तरह ये अगुरु लघुत्व गुण तक की अपनी आज की चर्चा, इत्यादि सामान्य गुण हैं, ये इनकी चर्चा अपनी हुई। अभी विशेष गुणों की चर्चा में तो कोई ज्यादा खास बात नहीं है, उसकी चर्चा अपन आगे और करेंगे।